हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंडलेस स्ट्रेंथ। दिस इज महेश शर्मा। और गाइज, आज हम बात करेंगे सिंगल आर्म डंबल रोइंग के बारे में। तो गाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारी बैक मसल के लिए। तो इसमें हमारी लोअर बैक और हमारी मिडिल बैक दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं, और मल्टीपल मसल और भी इन्वॉल्व होती हैं इस एक्सरसाइज में, लाइक हमारा शोल्डर, हमारे बाइसेप, हमारे हिप्स। तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है, और जब इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करते हैं तो इस एक्सरसाइज की जिस तरीके की पोजीशन है, जिस तरीके की मूवमेंट है, उससे हमारी कोर की स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो काफी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है हमारी बैक के लिए, हमारे कोर के लिए, और बाकी और भी हमारी काफी सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन गाइज, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए काफी सारे लोग काफी गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो सही मसल पे कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, सही रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरह की गलतियां लोग करते हैं और उन्हें ठीक किस तरीके से करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सिंगल आर्म डंबल रो को आप फ्लैट बेंच पे भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप अपना एक पैर ऊपर रखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे लोग उसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो इस तरीके से आप एक इंक्लाइन बेंच ले सकते हैं, जिसमें आप बेंच को थोड़ा ऊपर करके और खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी मैं बातें इस एक्सरसाइज में बताने वाला हूं, वो दोनों ही अगर आप फ्लैट बेंच पे ले रहे हैं तो भी, और अगर आप इंक्लाइन पे इस तरीके से ले रहे हैं तो भी, दोनों में ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सही तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी का पोस्चर ही गलत होगा तो कहीं ना कहीं मसल पे कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम चेस्ट को रखेंगे अप, कोर को रखेंगे टाइट, देन हम सपोर्ट लेंगे बेंच की, और उसके बाद हम ग्लूट्स को निकालेंगे हल्का सा बाहर। अब बात आती है हमारी बैक की। अब बहुत सारे लोग इसमें ओवर प्रिकॉशन लेते हुए बैक को इस तरीके से कर लेते हैं। अब इस टाइम मेरी बैक पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि प्रेशर पड़ रहा है, जिससे कि बैक में मेरे को दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है। तो आपको बैक को इतना ज्यादा भी ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, और ना ही आपको बैक को इस तरीके से कर्व करना है। आपको बैक को न्यूट्रल पोजिशन में रखना है इस तरीके से। ये आपकी पोजिशन होगी बैक की, ना ओवर स्ट्रेच करेंगे और ना ही कर्व करेंगे। तो ये आपका बॉडी पोस्चर रहेगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। अब गाइस, बात आती है रेंज ऑफ मोशन की। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हमारी फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है? तो उसके लिए, फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है। फुल रेंज ऑफ मोशन करते हुए लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम नीचे जाएंगे हमारी मसल उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होगी। आप सही पोजिशन में आगे जाएं, मींस आपकी जो अपर बॉडी है वो स्टिल रहे, देन आप आगे जाएं। जितना मैं आगे अब इस कंडीशन में जा सकता हूँ, ये मेरी फुल रेंज ऑफ मोशन है। अब अगर मैं अपनी बॉडी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ और अपने शोल्डर को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरी फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है। उसमें मसल पे कॉन्ट्रेक्शन भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस केस में अगर आप गौर करेंगे तो हो क्या रहा है, जब मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरे को काम करना था अपनी लैट पे, लैट मसल पे, क्योंकि एक्सरसाइज में कर रहा हूँ लैट मसल के लिए। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी अपर बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ। लाइक ये था, जब मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं अपने अपर बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ, इस तरीके से डाउन हो रहा हूँ आगे की तरफ, और जब पीछे जा रहा हूँ तो मैं अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ इस तरीके से। तो गाइस, उससे हो क्या रहा है, आप कितना भी हैवी वेट पिक कर लें इसमें, बट आपको कॉन्ट्रेक्शन आपकी मसल पे नहीं आएगा। आप नीचे गए पूरा, देन आप पूरा ऊपर आए। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ यहीं पे, ये हाफ रेंज ऑफ मोशन है। और हाफ रेंज ऑफ मोशन भी क्या, इस पे कितना कॉन्ट्रेक्शन आएगा मसल पे कोई आइडिया नहीं है। या फिर नीचे ज्यादा चले गए तो ज्यादा ऊपर नहीं लेके आ पाए। उसका रीजन क्या होता है, ईगो लिफ्टिंग। बहुत ज्यादा वेट पिक कर लेते हैं, जिससे नीचे तो चले गए बट ऊपर आते हुए पूरा ऊपर नहीं आ पा रहे, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और यहीं तक रेंज ऑफ मोशन रखते हैं, उसके बाद नीचे चले जाते हैं। तो गाइस, इसमें वेट वही पिक करें जिससे आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाए। तो उसमें आप पूरा नीचे जाएंगे बट आपकी बॉडी नीचे नहीं जाएगी, ये गए, देन पूरा ही ऊपर भी आ पाए इस तरीके से, यहां तक, देन अगेन डाउन, देन अप। इस तरीके से आप फुल रेंज ऑफ मोशन में इसे परफॉर्म करेंगे। अब गाइस, बात आती है हमारी एल्बो की मूवमेंट की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मसल कॉन्ट्रेक्शन ही फील नहीं कर पाते। कहते हैं हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म तो कर रहे हैं बट हमें अपनी मसल पे कॉन्ट्रेक्शन ही फील नहीं हो रहा है। तो गाइस, उसमें आपको यूज करना है अपनी एल्बो को। अगर आप अपने रिस्ट से वेट को खींचेंगे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्शन आप लैक कर जाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं कर पाएंगे। बट इसमें हमें यूज करना है अपनी एल्बो को। लाइक जब मैं नीचे गया, जब मैं ऊपर आया, तो मैं अपनी एल्बो से वेट को खींच रहा हूं, एल्बो से वेट को खींच रहा हूं और मैक्सिमम एल्बो को पीछे लेके जा रहा हूं इस तरीके से, ये देखिए। तो जब मैं अपनी एल्बो से वेट खींच रहा हूं तो इस टाइम मैं पूरा कॉन्ट्रेक्शन फील कर पा रहा हूं अपनी मसल पे।
आगे गए, देन अपनी एल्बो से वेट को खींचने की कोशिश की। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इसको ना समझ पाए, बट जब आप इसे परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि जब आप अपनी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे अपनी एल्बो पे और उससे वेट को पुल करने की कोशिश करेंगे तो पूरा कॉन्ट्रेक्शन आपकी मसल पे आएगा। एल्बो से हमें पावर लगानी है, ना कि अपनी रिस्ट से। तो गाइस इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रहेगा, जब हम वेट को आगे लेके जाएंगे, ये हमारी होती है स्ट्रेच। इस टाइम पे जब हम वेट को आगे लेके जा रहे हैं हमारी मसल स्ट्रेच हो रही है इस तरीके से, और जब हम यहां लेके आ रहे हैं तो इस टाइम पे हमारी मसल स्क्वीज हो रही है। तो जब हम मसल को स्ट्रेच करेंगे यहां लेके जाएंगे तो हम करेंगे इनहेल मींस ब्रीद इन करेंगे, और जब हम यहां लेके आएंगे जिस टाइम हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल को स्क्वीज कर रहे हैं, मसल को हमें फील करना है, तो यहां लाने के बाद आप एक हल्का सा पॉज देंगे 1 से 2 सेकंड का और ब्रीद आउट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे गए, होल्ड, मसल स्ट्रेच, मसल स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट, देन ब्रीद आउट। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो अगर आपने राइट हैंड से शुरू किया है तो राइट हैंड से आप लेंगे 12 रैप, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड से 12 रैप लेंगे, ये होगा आपका एक सेट। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड से कंप्लीट करेंगे आप वेट को बढ़ाएंगे और आप शुरू हो जाएंगे अपने राइट हैंड से, मतलब एक सेट से दूसरे सेट का जो बीच का जो रेस्ट टाइम है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम इस हाथ से परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये वाला हाथ रेस्टिंग मोड में है, तो हम मसल को ज्यादा टेंशन देने के लिए बैक टू बैक अपने सेट ले सकते हैं। बट हर सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहिए और वेट उतना ही बढ़ाएं जिसमें आप वेट को यहाँ होल्ड कर पाएं, क्योंकि गाइज आप कितना भी वेट ले लें अगर आप यहाँ पे वेट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मसल पे जो मसल फाइबर हैं आपके वो ग्रो नहीं करेंगे, मसल आपकी नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा वेट वही लें जिससे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। और गाइज इस तरह की वीडियोज इस चैनल पे आती रहती हैं, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में मुझे बताएं किस एक्सरसाइज पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हमारे चैनल पे फैट लॉस सीरीज चल रही है, बहुत सारी मिस्टेक्स एंड करेक्शंस की वीडियो मैंने बनाई हुई हैं लाइक बाइसेप्स से रिलेटेड और बाकी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट जरूर करें और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Now, no, 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 no